आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा ताला बंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एकदम लेटेस्ट जानकारी देने वाली हूं और ये बहुत यूज़फुल जानकारी है। देखिए आप लोग, इसमें लिखा भी हुआ है प्रभात खबर दिनांक 20/9/2023 यानी कि 29 सितंबर से हड़ताल करने का ऐलान। ये जो है पूरे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संध्या कुमारी ने जिला पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पश्चिम चंपारण को पत्र देकर के सूचित किया है कि सेविका सहायिकाओं के विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल 29 सितंबर 2023 से होने वाली है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति 8 सितंबर 2023 को केदार भवन अदालतगंज पटना में बैठकर बिहार सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध तथा अन्य विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। संध्या कुमारी ने कहा है कि इस पत्र की प्रति जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दे दी जाएगी। इन्होंने जिले की सभी सेविका सहायिकाओं से एकजुटता बनाकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया है। यानी कि अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप इसे श्योर नहीं समझिए कि 29 सितंबर से ये जो हेडिंग डाला जा रहा है, क्या ये एकदम श्योर है? मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये रहता है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी दे सकूं और सही न्यूज़ दे सकूं, ठीक है? हम लोगों को कभी भी किसी भी बात में जो है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाना नहीं है। अभी 29 सितंबर की बात हो रही है, आज 20 सितंबर है। आप देखिए कि 20 और जो है 29 के बीच में अभी क्या क्या होता है। सबसे पहले चलिए जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं गीता दीदी, हम उनकी बात सुनते हैं। और दिल्ली में तैयारी चल रहा है, पीएम को हम लोग ने मांग पत्र दे करके आए हैं, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दे करके आए हैं, और सिर्फ लेना था जंतर मंतर पर क्या कहते हैं परमिशन, वो भी हमको हो गया है। टेंट माइक सब लग जाएगा और आप लोग चलिए वहाँ दिल्ली सरकार को घेरना है, और वहाँ से आने के बाद हम लोग राज्य सरकार के समक्ष करेंगे, क्योंकि दोनों हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करता है। प्रमोशन में 50% देना था, अभी तक इसका प्रमोशन का लेटर नहीं निकला है बिहार सरकार के, और जिसको क्या कहते हैं ताली मरकर उसका नाम नहीं है, जो टोला सेवक का नाम नहीं है उसको 25,000 या 20,000, और जो काम करते करते महिला बन गई, हम बधुआ है उसका, हम दोनों का बधुआ है, हमको बधुआ समझ लिया है, बधुआ का हम लोग ही मजाक चखाएंगे। लेकिन अभी दिल्ली में आप लोग चलिए, भारी से भारी संख्या में विदाउट टिकट भी चल रहा है, तो चलिए, और ट्रेन को भी हम लोग बैनर लगा करके और क्या कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, अपना गाड़ी अपना चलिए। और 4 अक्टूबर को है भारत सरकार का दिल्ली में धरना, उसको सफल बनाना है, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद 29 में हम लोग नहीं जा रहे धरना पर, दिल्ली से आने के बाद फिर हम बैठक करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग भी चलेंगे, क्योंकि दोनों सरकार जो है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती है, इस व्यवहार को इसको छुड़ा देना है ना दिल्ली में। तो देखा आप लोगों ने, यानी कि अभी यह पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है कि 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका बहनें हड़ताल पे जा रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग भी जो है कि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। जो हमारे संघ के संयोजक हैं उनसे हम लोगों को हमेशा वार्ता करते रहना है, कंफर्म होने के बाद ही कोई कदम उठाना है। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को यूज़फुल लगी। मैं ऐसी ही ज़रूरी और यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, कल फिर मिलते हैं एक और नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।